हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फूड आर्ट। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ये अमेजिंग सी रेसिपी। जो इंग्रीडियंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें है ऑयल या घी, आप 1 कप ले लें, 1/4 ले लें तो ज़्यादा बेटर है। दूध 1 कप, 1.5 कप मैदा ले लेंगे, मैंने अलग अलग किया हुआ ताकि आपको क्लियरली बता सकूं। 1 कप चीनी, 1/2 कप कोको पाउडर, वनीला एसेंस कुछ ड्रॉप्स चाहिए हमें, 2 अंडे ले लें, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बैटर बनाना। एक बाउल में पहले आप ले लें मैदा, मैंने अलग अलग कप्स में रखा हुआ है ताकि क्वांटिटी क्लियर हो जाए और मेयरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने 1.5 कप मैदा डाल दिया, 1/2 कप कोको पाउडर डाल दें। पहले मैं सारी इसमें ड्राई चीज़ें डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लावर है ये ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून है, अब ये भी ऐड कर रही हूँ, हीपफुल टेबलस्पून है, क्योंकि इसकी वजह से ही ब्राउनीज सही फ्लफी होती हैं। अब आप इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सही से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्प्स ना रहे। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, बहुत ठंडा नहीं डालना और बहुत गर्म भी नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो। 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ, ऑयल घी या बटर भी ले सकते हैं, और आपने 1/4 कप लेना है, फुल कप नहीं लेना, 1/4 कप से भी वो अच्छा बन जाता है। अब इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ मैं, 1 कप। आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें, साथ ही ये अंडे भी 2 ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आप यही क्वांटिटी और यही सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा ब्राउनीज़ का घर पे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस, अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं, आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। ये 1 ढक्कन मैंने भर के डाल दिया, चॉकलेट एसेंस भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप दोनों स्किप कर सकते हैं। ऑलरेडी कोको पाउडर ऐड है तो उसकी बहुत अच्छी सी एक स्मेल आ जाती है। ये देखें, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्ब्स कुछ बम्प्स ना रहें। अब इसको मैं विस्क से कर रही हूँ, ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन गया। आपको इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से बीट करना है। ये मैं ब्राउनीज बना रही थी तो अनाया जी भी हेल्प कर रही है मेरी, उसको भी चॉकलेट केक बनाना है। ये देखें, अनाया जी ने अच्छे से बीट कर लिया, मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं जी, उसको ही बनानी है ब्राउनीज, उसको इंटरेस्ट है इसमें तो मैंने उसकी थोड़ी सी मदद ले ली है। अब आप जो भी डिश ले रहे हैं आप उसमें बटर, ऑयल, घी, व्हाटएवर, वो हल्का से लेके आप उसको हाथ से स्प्रेड कर लें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, अगर जिनके पास बिल्कुल बेसिक बेकिंग का, और ये माइक्रोवेव में बनाऊँगी मैं। अब ये सारा बटर जो है इसमें मैं डाल रही हूँ, आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी रेसिपी है। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट सा बन गया और जल्दी भी बन जाती है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट में इसमें आप वॉलनट्स या कोई भी और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसमें कोई एयर बबल नहीं है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ,
मैंने 5 मिनट्स दिए हैं, लेकिन आप अपने माइक्रोवेव की सेटिंग के अकॉर्डिंग, कुछ की जो है हीट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा कम टाइम लेंगे, कुछ की हीट बहुत कम होगी तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे। मैंने पहले इधर 5 मिनट दिए हैं, फिर मैंने चेक करके 3 मिनट और दिए थे, ऑलमोस्ट 8 मिनट में बना था मेरा। लेकिन आप पहले 5 मिनट दें, एकदम आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना को ओवर कुक ना हो जाए। पहले आप 5 मिनट दे दें, फिर आप देख लें कि उसमें कितनी कसर रह गई है, तो आप 3 से 4 मिनट फिर ऐड कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल हल्की सी कसर रह गई है तो आप 1 मिनट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें टूथपिक डाल के देख रही हूँ कि ये कुक हो गया है। सेंटर से आपने उसको 5 से 7 मिनट माइक्रोवेव के अंदर खुला रहन देना है ताकि वो सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत ब्राउनीज़ को ओवर कुक नहीं करना, वो हार्ड हो जाती हैं। ये देखें, वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है तो वो बिल्कुल सेटल हो गया है बीच से भी। ये देखें कितना फ्लफी बना है। अब इसकी मैं पीसेस कर लूँगी। अगर आप चाहें तो नीचे खाली बटर पेपर लगा के आप उसके ऊपर बटर डाल के आप इसको डिश आउट भी कर लें। इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको रेसिपीज बताऊंगी चॉकलेट केक की, चॉकलेट ब्राउनीज की डिफरेंट वर्जन सिखाऊंगी। अब ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आपके पास कोई मेरिंग स्पूंस कप्स नहीं हैं, बिल्कुल बेसिक, ओवन भी नहीं है तो आप माइक्रोवेव में ये बना सकते हैं। बट हीट का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि हीट प्रॉपर हो, एक बारी में आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब बस मैं इसको अच्छे से कट करके इसको डिश आउट करूँगी और ये बहुत मॉइस्ट बना है। ऑयल आपने, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि 1/4 ले लें तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी थी। आप मेरे कहने पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।